ये मंजिल है, ये देखो पोज पे पोज पोज पे पोज दिया जा रहा है। मॉर्निंग आप सबको, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी जानी, और है अभी 11 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो मैंने बोल दिया, गुड आफ्टरनून होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि जब दोपहर में सब गांव में खाना वाना खा के सो जाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता है जब सोते रहते हैं सब, तो हम दोपहर में फिर क्या इंतजाम करते हैं खाना मेहमान को देने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा बैग के लिए। से इस टाइप की भुजिया बनती है जिसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ता है, बस ये देखिए आजकल इसको बोलते हैं लोग चिल्ली पोटैटो, जो मार्केट में मिलता है सॉस वगैरह डाल के। हमारे यहाँ मेहमान को ये दिया जाता था सूखी, ये बना लिए मिर्ची और जीरा डाल करके, और खुले में ही ये पक जाता है आराम से, इसको ढकते नहीं है देखिए, और ढकेंगे तो गीला गीला सा हो जाता है। और इधर मैं छोला बना रही हूँ, और मेहमान को देने के लिए जब कुछ भी नहीं होता तो मैं पूरा खाना आज दोपहर दिखाऊंगी कैसे मेहमान को दोपहर में दिया जाता है। अगर आप लोगों के घर में, क्यों गाँव में इतना ऑप्शन नहीं होता कि बाहर से कुछ भी तुरंत झट से आप मंगवा लो, तो सब कुछ दिखाऊंगी आपको। बता रही थी कि क्या दिया जाता है, तो ये देखिए ऐसे कुछ पराठा सेक लिया जाता है क्योंकि आटा घर में होता है आपका, सॉरी, और अपना आलू भी घर में होता है, तो इस तरह से आलू का भुजिया बना जाता है, वो बिना प्याज लहसुन का, बहुत टेस्टी होता है ऐसे। तो शहर समय तो चलो कुछ भी दे देते हैं कि पानी दे दिए, कोल्ड ड्रिंक्स दे दिए, चाय दे दिए, मेहमान चले गए। गाँव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स, अब तो चलो सुविधा हो चुका है, तो ऐसे पराठे और भुजिया और सेवियाँ तो घर में होती है, मेहमान के लिए प्रश्न रखे जाते हैं। तो कैसे लगे आप लोगों को दोपहर में? उनको बिना खाए हुए नहीं जाने देते हैं कि ऐसे दाल चावल सब कैसे दे सकते हैं, उसके लिए बहुत तिक्रम हो जाता है। तो ये पराठा भुजिया और सेवियाँ देते हैं, आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताना आप लोग, और बने रहे ब्लॉग में। एक एक नया ड्रेस निकाल के पहनती है क्योंकि घर में ही रहती है ये, और कैसी लग रही आप लोग ज़रूर बताना कॉमेंट करके। अब ये चेंज करके दूसरा पे पहनेगी, उनको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। बने रहना। सिमरन क्या कर रही है? पढ़ रही हूँ। टाइम टाइम से सिमरन, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये डाइटिंग के नाम पे तो क्या करती रहती है भाई। फ्रूट्स ना खाऊं फिर सब बस खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तो। सिमरन तू तो कुछ भी नहीं छोड़ रखी है, तो मैंने क्या बोली थी, थोड़ा सा ही खाना पोहा, क्योंकि ये फिर पानी पिएगी ना तो बहुत प्यास लगाएगा, पेट भरेगा, आधा कर ले। मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो लोगों को दिखा के? सब कुछ खा रही है, बस रोटी चावल भी खा ही लेती है दो चम्मच, नहीं सिमरन? मम्मी रोटी और चावल का मुझे पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर मैं बाद में कहीं जाऊँ, शादी वादी में जाऊँ, मैं बेबी के बाद में कुछ खा ही नहीं पाऊंगा, मेरा पेट दुख जाएगा। अरे भाई तो ये पोहा जो ये देख सिमरन, इसमें गैस करेगा, सब कुछ एसिडिटी बनाएगा। देख मूँगफली भी बहुत है और पोहा ही, इसको मत खा इतना, ठीक है? थोड़ा कम कर ले। खाऊंगी ना। खाएगी, सब कुछ खाएगी, तो फिर यही रहा तो फिर तो ठीक है भाई, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप कुछ भी देखो, इसमें गर्म पानी रहता है, ये जीरा अजवाइन और सौंफ का पाउडर भून के बनाया गया है, उसके साथ ये चार, अरे अच्छा हुआ नेल कटर दिख गया मुझे, नेल काटना है, नाखून काटना है मुझे अभी, और थोड़ा सा भून के वो भी रखे सिमरन ने जीरा, और इसमें देखो ये दही में डालने के लिए जीरा फ्राई, किचन का है तहस नहस हुआ जो खीरा कट के ले गई। इसको डाइटिंग पर टाइम से होना चाहिए भाई, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं हो चाहिए। चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, और ये हमेशा सोपनी क्या करता है, इसका स्विच नहीं है लगाने वाला, तो फिर मशीन चलना बंद। तो चलो और मैं ये सब निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चल रहा है, क्या चल रहा है? ये पपीता खा रहा है, मैंने लाडो रानी सो के अभी दूध पिया है। इतना आपने कभी सोमिल को प्यार किया है? दांत मत कटा लेना मेरा, पपीता कितना पसंद है इसकी, बोली रानी। और इसके लिए कैसे काटा जाता है पूरा वो हटाया के? डंडी आ गई, डंडी आ गई बाबू के मुंह में, ये वाले छोड़ दो छोड़ दो, ये खाओ ये खाओ, अरे मेरे छुंदू, एक लात मारूंगी ना इसको, देख कितने प्यार से खा रहा है इसका दांत। भाई उठ के खा ले, मुंह में नहीं जा रहा तो खा भी नहीं रहा है। सो भी जाता है यहीं पे, अभी सोएगा, अभी आकर 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 आकर, अरे अरे मुंह पे लग गया गंदा, ये सोए सोए खा गया इसका लाट से, अभी देख रही है आज रोज वो मार खाता है। नहीं रोज खाता पपीता,
थोड़ा मुंडी हटाओ, मुंडी हटा रहे छुछुंदरी। आकर खिलाओ इसको गधे को। ये आज मैंने सुबह सुबह किया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाई सुबह सुबह, बहुत ढेर लगी हुई थी ना मिट्टी, तो आप लोग बताना ये मैंने कैसे काम किया है। अभी तो मैंने पानी इस पे डाला हूँ, देखती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ इसमें ना अंदर तक पानी नहीं गया है, बहुत सारा पानी लगेगा इसमें। एक बार पानी से इसको मिठाएंगे पूरा मिट्टी को। मैंने खूब सारा मोटा मोटा करके दिया है, जितना ईंट है ना देखो ये बराबर करके आंगन में, और इधर वाला साइड जो ईंट नहीं लगाई इधर का मिट्टी मैं गमला में डालूंगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ इसमें ना कुछ लगाऊंगी, देखती हूँ क्या लगाऊंगी, लेकिन एक बार आज मिट्टी फैलाई हूँ और मैं कुछ करने वाली हूँ बहुत अच्छी वाली, तो आप लोग ज़रूर दिखाऊँगे आप लोगों को। अभी तो मिट्टी मैंने चलो डाली हूँ तो दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत की सुबह से, पैर ले लेके पूरा बराबर किया है, और ये देखिए बाहर लोगों के फूल बरसते हैं और हमारे पत्ते बरस बरस के ढेर लग जाते हैं। ये अच्छे से फूल अब खिलने लग गए हमारे, तो ये भी हमारा कैसा लग रहा है आंगन का नज़ारा आप लोग ज़रूर बता, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं कुछ ज़रूर इसमें लगाऊंगी अच्छा वाला, इसलिए मैंने मिट्टी ली थी और जमा करके रखी थी। ठीक है, तो बने रहना पूरे खेती बाड़ी में। ये एक फूल है कि हर महीने में ये फरवरी और मार्च के टाइम में ही निकलता है, और कितना प्यारा फूल है आप लोग देखिए। और ये हमेशा तीन या चार इतना ही निकलता है, तीन या चार, और इसमें हमारे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे लग गए आपको देखो। एक ही मेन था वो देखो गांठ जैसे उसमें निकल गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम का हो गया, 10 साल हो गया इसको, और ये छोटे छोटे इसमें 1, 2, 3, 4 निकल गया, तो इसमें भी अब निकलेंगे। और ये फूल बहुत ही जैसे आज कल ही है ना, कल ये खिल जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखने में लगता है, बिल्कुल रेड। और ये डिजाइन पता है नाम क्या है इस पौधे का मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना, और मुझे तो ये बहुत प्यारा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। यही एक फूल है कि साल में एक ही बार निकलता है फरवरी और मार्च के महीने में। गैस मैंने बालों में फिर से आज मेहंदी लगाई फिर से, क्या बहुत टाइम हो गया था, और ये देखिए बाल मेरा गीला ही पड़ा है, क्योंकि जिस दिन बाल में मेहंदी लगाओ ना बिल्कुल रफ रफ सा बाल लगता रहता है। और ये देखिए क्योंकि मेरे मतलब कलर नहीं लगाती मैं पूरे में, थोड़ा सा टचअप कभी कभी कर लेती हूँ, ज़्यादातर मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो रात को अच्छे से भिगो दी थी, ये सूखने में शाम तक सूखेगा। और मैं आपको बताऊँ मेहंदी में जो आंवला और कॉफ़ी पाउडर या चाय पत्ती उबाल करके उसमें डाल करके आंवला उबाल लेती हूँ उसकी बना करके, जो कभी दिखाऊंगी किसी वीडियो में अच्छे से आप लोगों को। और जब पूरा अच्छे से मैं फेंट देती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ इसमें थोड़ा सा सरसों तेल एक ढक्कन डाल देती हूँ, इससे क्या ना मतलब देखिए आपको खुद ही लगेगा ऑयली ऑयली सा बाल, रूखा रूखा नहीं होता है। पहले नहीं करती मैं, 2-3 बार से अब कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा, अब ये सूख जाएगा तो अच्छे से कल ऑयल लगा के और बाल को साफ कर लूँगी। आज थोड़ा शांत है, कल फूल के इतना हो जाएगा मेरा बाल। तो ठीक है जी, मैं खाना बना रही हूँ अभी, चावल चढ़ाओ। आज मेरे पास कुछ भी सब्जी नहीं था, तो दाल चावल आलू का भुजिया बनाया है, तो चलो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। कुछ भी नहीं होता तो दाल चावल भुजिया या दाल चावल चटनी हमारे यहाँ कंपलसरी है, अगर नींबू रहे तो निचोड़ लो दाल में, नहीं रहे तो चलो ठीक है, तो दिखाती हूँ। ये मैंने मूंग की दाल की बना के रखी हूँ, भून करके बनाई फ्राई करके, अब मैं इसमें हींग और जीरा का छौंका लगा दूंगी ऊपर से। और ये देखिए मेरा आलू का भुजिया और अचार रहेगा, चावल दाल आलू का भुजिया अचार, तो बस यही है आज मेरा खाना सिंपल सोबर में। सुबह बच्चों को प्याज की पराठा बना के दे दी थी, और मैं सोच रही इसमें ना कल मालपुआ बनाई थी थोड़ा, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा प्याज तलूंगी, मेरा मन कर रहा है, अब देखती हूँ तल पाऊँगी कि नहीं ये नहीं पता है। और मैं आपको बताऊँ ये हॉर्डली ये जो ये डब्बा है ना अपना, ये इसके साथ मिला था गैस, क्या बोलते हैं कुछ लेके आए थे उसके साथ, तो मैंने ऊपर का स्टिकर हटा के इसमें तेल भर दिया, तो तेल में भी क्या होता है मैं बताऊँ आपको, ये इसमें तो भर दिया, ये देखिए ऐसा वाला है, तो डाल देती हूँ और इसको ढक्कन कर देती हूँ, तो गिरने उड़ने का कुछ भी डर नहीं होता है। तो चलो बने रहो आप लोग, मैं छौंका वौका लगा के फिर मिलती हूँ।